मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधियों ने एक बार पुनः मैदान में उतरा है। स्वच्छ शहर इंदौर में एक बार फिर इंदौर महापौर ने स्वच्छता का मोर्चा संभाला है। आचार संहिता के खत्म होते ही दूसरे दिन सुबह सुबह ही महापौर ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर वार्ड का दौरा किया, जिसमें गंदगी करने वाले पर स्पॉट फाइन भी किया गया। वहीं इसी दौरान जगह जगह थूककर गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति पर फाइन भी लगाया गया और वह फाइन महापौर ने समझाइश के तौर पर स्वयं भरा। दरअसल विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है और अधिकारियों के साथ तड़के सुबह से ही महापौर ने जोन 2 के 5 वार्डों का दौरा किया और स्वच्छता व्यवस्था के साथ ही गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाइन भी किया। महापौर ने वार्ड के दौरे के दौरान शीतला माता बाजार में गंदगी करने वाले लोगों पर स्पॉट फाइन किया। हालांकि इसके फाइन के पैसे खुद महापौर ने ही भरे और साथ ही समझाइश दी। वहीं साठा बाजार में स्थित शीतल वस्त्रालय के द्वारा की गई गंदगी को देखकर उन्हें फोन लगाकर समझाइश दी और आगे से गलती करने पर स्पॉट फाइन भी लगाया जाएगा। इंदौर की स्वच्छता सबसे सर्वोपरि है, वही हमारी ब्रांड इमेज है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही निरीक्षण कर दौरा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता के पैमाने वैसे ही रखे जाएं जैसे पहले थे। विशेषकर बाज़ारों में लोगों के थूकने की शिकायत बहुत आ रही थी, इसलिए स्पॉट फाइन करने के निर्देश दिए हैं। कुछ लोगों का हमने वहाँ स्पॉट फाइन किया भी है और बाज़ार से गंदगी ख़त्म हो, नियमित सफाई हो, इसका दौरा करके निरीक्षण दिए। साथ ही जो हमारी स्वच्छता और सफाई कर्मी बहनें हैं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठंड में पर्याप्त उनको संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है उसको भी चेक किया है। साथ ही सबको हैंड ग्लव्स, रिफ्लेक्टर जैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की। सर आपने ही जो है वो फाइन भरा है और एक समझाइश के तौर पर? एक साथी मुझे देख के ही रुका था और उसने वहीं थूक कर नियमों का उल्लंघन किया था, तो मैंने समझाइश के तौर पर, चूंकि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उनके पैसे मैंने भरे और उनको कहा है कि भविष्य में इसका ध्यान रखें और ताकि बाकी लोग भी इससे प्रेरणा लें। सर नो टू टू अभियान जो है चलाया गया था लेकिन देखा गया कि कुछ समय के बाद भी जो उसमें जो गति है वो कम हो गई और अब जो लोग हैं वो नो टू टू अभियान को जो है भूल चुके हैं वापस से। नो टू टू अभियान इस शहर में हमेशा जारी रहेगा और आज इसीलिए निरीक्षण करके फिर से दिशा निर्देश जारी किए। सर